कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज अचानक मुजफ्फरनगर दौरे पर पहुंच गईं। वहां उन्होंने बीते 20 दिसंबर को ही हिंसा में मारे गए नूरा के परिवार वालों से मुलाकात की। इसी के साथ परिवार को ढांढस बंधाया। इसके साथ ही प्रियंका ने कहा कि जहां तक संभव हो कांग्रेस पार्टी ऐसे लोगों की मदद करेगी। देखिए, पहली जगह तो मौलाना साहब थे, उन्होंने मुझे बताया कि शांतिपूर्वक मदरसे के अंदर ही थे बच्चों के साथ। पुलिस अंदर आई, बेरहमी से मारा पीटा है, हाथ टूटा हुआ है, टांगों में पट्टियां हैं, तमाम मतलब चोटें हैं पूरे शरीर पे, बहुत बुरी तरह मारा। काफी बच्चों को लेके जेल में डाल दिया, उसमें से कुछ बच्चे रिहा हुए हैं, कुछ बच्चे अभी भी जेल में हैं, थोड़े माइनर्स भी थे वो भी जेल में इन्होंने डाले। और दूसरी जगह जहाँ मैं गई नूर मोहम्मद के, बहुत बहुत ही दर्दनाक। वो बेचारी 22 साल की लड़की है, 7 महीने प्रेग्नेंट है, उसका एक छोटा सा 1.5 साल की उसकी एक बच्ची है, एकदम अकेली। कुछ हेल्प कांग्रेस की तरफ से की? हम कोशिश तो पूरी तरह से करेंगे, जहाँ जहाँ न्याय हुआ है आप कई जगह गए, जहाँ जहाँ न्याय हुआ है वहाँ हम जरूर खड़े रहेंगे। और हम जरूर देखा होगा कि मैंने राज्यपाल महोदय को एक बहुत लंबी चिट्ठी भेजी है, उस चिट्ठी में सारी डिटेल है, इन केसों के भी डिटेल है, उसमें सारी डिटेल है कि पुलिस ने किस तरह से मारा है, पीटा है, बेवजह बेवजह। देखिए, वजह होती है किसी ने कुछ किया है तो पुलिस कार्रवाई ले, उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं। लेकिन जहां पुलिस खुद घुसकर मारपीट कर रही है, वो जो लड़की जिसकी शादी होने वाली थी, वो बेचारी उसकी शादी होने वाली थी, शादी का जो भी सामान था वो भी तोड़ फोड़ कर दिया। सबसे पहले खबरें पाने के लिए एबीपी गंगा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए। फेसबुक पेज है www.facebook.com/abpganga। ट्विटर पर भी फॉलो कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है twitter.com/abpganga।